नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आप जो यह तस्वीरें देख रहे हैं, यह दरभंगा बस स्टैंड यानी कि पुराना बस स्टैंड जो कि कैदराबाद से बस की सेवा की शुरुआत होती थी। यह दृश्य आप देखकर भली भांति समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या घटना घटी है, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें, लग गई थी दुकान में आग और लाखों का सामान हो गया क्षति। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सारा सामान जलकर राख में बदल चुका है। यह तस्वीर है दरभंगा के कैदराबाद पुराने बस स्टैंड की, जहां पर दुकान में आग लगने से इस तरह का दृश्य सामने आ रहा। वहीं जब हमने लोगों से बात किया तो आग लगने का सही कारण उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर किस वजह से आग लगी है और कैसे यह घटना घटी है। वहीं आपको बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी आग को बुझाने के लिए, जिसके बाद काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आप देख सकते हैं, देखने के लिए लोगों की भीड़ भी वहां लगी हुई है और जिनका दुकान था उनका रो रो कर बुरा हाल है। आप सुने वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा इस बारे में, कैसे दुकान में आग लगी और क्या कुछ हुआ। होटल था फ्रंट से, पीछे गोदाम था, उसमें सामान था, आटा मैदा चावल तेल चीनी रिफाइन सब था। उसके बाद फ्रिज था, काउंटर था, इन्वर्टर था, बैटरी था, डी फ्रिज था, तराजू था, अन्य सामग्री और बहुत सारा सामान। जगह कौन सा है? जगह ही कैदराबाद बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, होमगार्ड कैंपस। तो कैसे आग लगा कुछ पता नहीं? कुछ इसका जानकारी नहीं है, लेकिन ये आगे बाहर से लग के अंदर चली गई मेरी दुकान और गोदाम पर। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान लगभग 2 लाख रुपया से कम का नहीं हुआ होगा, ज़्यादा का होगा। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड की आगे वो छोटा गाड़ी पहले आई, उसके बाद बड़ा वाली गाड़ी आई, तब जाके काबू हुआ। कितने बजे लगा? 3:15 के लगभग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहीं पर घर है? हाँ, घर कैदराबाद है। कितना दिनों से कर रहे थे? ये तो बहुत के समय से ही, हमारा जनरल स्टोर था, 50,000 था, 50,000 सामान था। क्या क्या था सामान? चप्पल जूता चॉकलेट के सब, चप्पल जूता था, चॉकलेट के सब में से था, झोला पोला अगर मगर। कैसे लगा पता नहीं है? पता नहीं, हम सुबह में बिलपत्र तोड़ने जा रहे थे तो अभी देखे कि आग लगा हुआ था, वहाँ उसे गुम हो गया। बिलपत्र तोड़ने जा रहे थे अभी हम तो। कितने दिनों से था यहाँ पर? 2018 में स्टैंड उठा है, कुछ दिन दुकान खोले उसका कुछ बंद कर दिए, फिर दुकान खोलेंगे तो देखे कि हस्ते हो गया। कौन सा जगह है? हैदराबाद बस स्टैंड था। क्या नाम हुआ आपका? अनिरुद्ध शाह, घर लोहलागंज।